मैं इस समय आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के भगोर गांव के केसरिया फलिया में खड़ा हूं और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या वाकई में महिलाओं को इसका लाभ मिला है और लाभ मिला है तो वो इस राशि का किस तरीके से उपयोग कर रही हैं, क्या उनकी योजना है और इस योजना को लेकर उनकी क्या सोच है, ये सब जानेंगे। यहाँ पर आदिवासी समुदाय की तमाम महिलाएं मौजूद हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कविता खपेड़। लाडली बहना बन गई आप सरकार की? जी सर। कितने आ गए? 3000। 3000 आ गए जी सर। 3 किस्तें आई हैं मतलब आपके पास, है ना? तो कैसे लगी योजना? अच्छी लगी। अच्छी है। हाँ। पैसे का क्या किया? सर हम इकट्ठे करके हम सिलाई करते हैं तो सिलाई मशीन लाएंगे। अच्छा। हाँ। तो सिलाई मशीन कितने में आएगी? सर 7-8 हज़ार तक आ जाएगी। तो अभी कुछ बचा के रखे थे और फिर ये मिलाओगे? हाँ। कि 1-2 किस्त का और इंतजार है? थोड़े और आ जाएंगे, थोड़े घर से मिला के कर देंगे। कर देंगे। ठीक है, मतलब इस योजना ने आपकी मदद की, आप ये कह रहे हैं? हाँ। राखी भी आ रही है? आ रही ना सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आपको आ गए पैसे लक्ष्मी जी? हाँ आ गए। कितने आए हैं? 3000। क्या किया उसका? अभी तक जमा है। अच्छा, खाते में ही है अभी। तो क्या प्लान है आपका? एक किराना की दुकान खोलेंगे। हाँ ऐसा लगे। तो थोड़ा सा और इकट्ठा करने की योजना है आपकी? हाँ, फिर लोन हो लेंगे, फिर अच्छा फिर दुकान चलेंगे। ये पैसे और फिर कुछ लोन उठा के आप दुकान डालोगे? ठीक है, कहाँ? इसी गांव में डालोगे? घर पे? घर पे। अच्छा, तो ये योजना कैसी लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है, ठीक है। क्या नाम है आपका? सविता कपेट। अच्छा, आपको आ गए पैसे? आ गए सर। कितने आ गए? 3000। क्या किया आपने? सर हम भी इकट्ठा करके सिलाई करते हैं तो सिलाई मशीन लाएंगे और आगे धंधा बनाएंगे सिलाई करके। अच्छा, सिलाई मशीन लाएंगे आप, है ना? तो अब ये बताओ, आप सच्ची बताना, पैसा मिल रहा है तो किसी से, आपके पति से मांगने की जरूरत पड़ती है आपको? नहीं पड़ती है सर। नहीं पड़ती। हमारा सामान, हमारा खर्चा निकल जाता है। निकल जाता है सर। अच्छा, पूछा नहीं पतिदेव ने कि भाई क्यों नहीं मांग रही हो, आप क्यों नहीं ले रही हो? और हमारे पैसे आ रहे तो हम ही यूज करेंगे कि? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप आओ, क्या नाम है? सवली। अच्छा, आपको आ गए पैसे? हाँ आ गए। आ गए, कितने इकट्ठे हो गए? 3000। 3000, क्या करोगे इसका? इकट्ठा करके मुर्गे लाएंगे। अच्छा, मुर्गे के चूजे लाओगे आप, फिर क्या करोगे इसको? बड़ा करके बेचेंगे। अच्छा, ये भी एक बिजनेस है। ठीक है, ये देखिए, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, परिवार के निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और उनको अपने फैसले लेने के लिए जेब में कुछ राशि देना। आपको मिल गया? हाँ सर जी। पूरे 3000 आ गए? हाँ। आपने क्या किया? पढ़ाई कर रही थी, मन लग रहा है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं? 3। तीनों पढ़ रहे हैं? हाँ। कहाँ जाते हैं पढ़ने? सॉरी, कॉलेज जाती है एक नवोदयमा। अच्छा, तो अच्छा उनकी पढ़ाई में आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ सर। तो इससे आपको मदद मिली है, जो राशि आ रही है इससे? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, आपको मिल गए पैसे? हाँ मिल गए। क्या किया आपने? मशीन लाएंगे सिलाई का। सिलाई मशीन लाओगे? अच्छा, योजना कैसे लगी ये बताओ। अच्छी लगी। अच्छी लगी। हाँ। ठीक है, आपको भी मिल गया? आपको मिल गया। मिल गया? हाँ। कितने मिल गए? 3000। 3000। क्या किया आपने? दुल्ली। योजना के पैसे का क्या किया? अच्छा, ये बता रही है सब्जी भाजी और उसमें इनका इस्तेमाल हो गया। इधर आओ, आप आओ, आगे आओ। क्या नाम है आपका? आ गया हो। क्या नाम है? सामू। आपको मिल गए पैसे? मिल गया। क्या किया आपने? लड़का को पढ़ाई करा रही। अच्छा अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2। तो दोनों पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ जाते हैं पढ़ने? एक खुट्टा है, एक यहाँ भगवान। अच्छा, तो उनकी पढ़ाई पे आप खर्च कर रहे हैं? ठीक है, देखिए ये दो छोरा दो हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? काम काज कर रहे हैं। उनकी मदद करी आपने पैसे से थोड़ी बहुत? करी। हाँ। बहुत बढ़िया। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, आप आओ ना आगे, ये घूंघट में है सभी महिलाएं। क्या नाम है? ललिता। ललिता जी, पैसा आ गया? हाँ। क्या किया आपने?
बच्चे पढ़ाते। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई में आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो योजना कैसी लगी आपको ये? अच्छी लगी। हाँ, बड़ी बढ़िया बढ़िया है। आपको आ गए? हाँ आ गए। कितने पैसे आए? 3,000। 3,000। क्या कर रहे हो पैसे का? बस पढ़ रहे, बच्चों को पढ़ा रहे हो। योजना अच्छी लगी आपको? खर्चा मिल रहा है? हाँ, अच्छी लगी। आपको भी आ गए? हाँ आ गए। क्या किया आपने? एक खटे करके 9 दुकान डालेंगे। अच्छा, अभी दुकान डालोगे, किराने की दुकान? अच्छा, अभी कितने इकट्ठे हो गए? अभी तो 3,000 है। 3,000 हो गए। कुछ और इकट्ठे करोगे? इकट्ठे करके डालेंगे। अच्छा, वो शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि इसको बढ़ा के हम 3,000 रुपए करने वाले हैं, आपने सुना है ये? हाँ सर, वो मोबाइल में देखा था। मोबाइल में देखा था, आगे चल के इसको 3,000 करेंगे तो फायदा होगा आपका? होगा ना सर। 3,000 अगर कर दिया तो 36,000 रुपए साल हो गया। हाँ हो गया, इससे ज्यादा मदद हो जाएगी हमारी। आपको क्या लगता है? अगर ऐसा बोल रहे हैं तो जमा करेंगे सब। आगे जाके धीरे धीरे इसका विस्तार होगा, है ना? हाँ, आगे जाके। देखिए, ये भगोर गांव की महिलाएं थी। तो हम अलग अलग गांव में और फलियों में जाकर महिलाओं से संवाद करते हैं, उनसे जानते हैं कि लाडली बहना योजना का जो राशि आई वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, यही होता है, क्योंकि हमने देखा कि सरकार ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारा उद्देश्य है। जब एक गांव में फलिए में सुदूर आदिवासी इलाके में आकर हम देखते हैं तो महिलाएं जब ये कहती हैं, यहाँ आपने सुना कि वो कड़कनाथ के चूजे लाके बिजनेस करेंगी, किराने की दुकान डालेंगी या सिलाई मशीन लाएंगी, तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक कदम है। ये हमने यहाँ पर देखा और महसूस किया। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।